कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल की अनाज मंडी पहुंचे। अनाज मंडी के आढ़तियों ने सुरजेवाला को समर्थन देते हुए कांग्रेस ज्वाइन की और इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर आढ़तियों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही सुरजेवाला जेपी दलाल के बयान को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। सुरजेवाला ने कहा कि जेपी दलाल के बयान से साफ हो गया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। केवल कैथल की अनाज मंडी की समस्या नहीं, पूरे हरियाणा के 5 लाख के करीब जो आढ़ती परिवार हैं, मुनीम परिवार हैं, और मंडी से जुड़े हुए 10 लाख जो मजदूर हैं, उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी। हमारी आढ़त 2.5% हमेशा से रही। ये 2.5% आढ़त किसान नहीं देता था, खरीद एजेंसियां देती थी, क्योंकि बाद में वो खरीद से कहीं अधिक मूल्य पर उस फसल को बेचते हैं तो वो भी मुनाफा कमाते हैं। ये 2.5% आढ़त काट कर 46 रुपया और 45 रुपया कर दी गई, 46 रुपया कुछ पैसे और 45 रुपया कर दी गई। ये अपने आप में घोर अन्याय है। लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इसको दुरुस्त करवाएंगे, ठीक करेंगे दोबारा से, ताकि आढ़तियों का काम चल सके। पहली बात तो ये है कि बीजेपी चुनाव हार गई है, उन्होंने मान लिया है। अब तो उनके मंत्री खुलेआम बयान दे रहे हैं, आप 15 दिन और रुक जाओ, ये सारे जोर जोर से बोला करेंगे कि हमारा कोई तंत्र नहीं। बीजेपी को आज जो उनके प्रति गुस्सा जनता में है, मुझे लगता है कि उन्हें डबल डिजिट वो छू नहीं पाएंगे। दूसरा, ये अहंकार कि दिल्ली में बहुत बड़ी अहंकारी या दमनकारी सरकार है, उनकी हेकड़ी भी जनता ने निकाल दी, हमारी तो कोई हैसियत नहीं। जो 400 पार कहा करते थे वो 240 पर आ गए, उनका समय जा चुका, वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, इसलिए उनके कुछ कहने से कुछ असर नहीं होता। दिल्ली में विधायक ईश्वर सिंह ने कुमारी सैलजा से मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बताया कि वो जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला पर भी उन्होंने निशाना साधा। नेता विधायक ईश्वर सिंह जी, सर राजनीतिक अब कहीं ना कहीं तेज हो गई है, सक्रिय, खासकर किस तरीके से देखते हैं, एक लंबा राजनीतिक अनुभव और इन विधानसभा चुनावों को लेकर के? मैंने तो आपको पहले भी ये बात कही थी, आज भी ये बात कह रहा हूँ के 90 MLA हैं विधानसभा के, सबसे सीनियर में हूँ, 77 का तो कोई रहा ही नहीं। तो अब हालात परिस्थितियाँ बदलती हैं और चेंज इज ऑल सो नेचर, तब्दीली हैं तो लोग बदलाव चाहते हैं। और मैंने जो है ना आपसे जो कहा कि कुछ हीरोज के अंदर मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, मेरा बेटा और पुत्र वधू वो कम्पिटेंट हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, खुद रणदीप सिंह भी लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, अभी चेयरमैन भी रहे अगर बात करें तो वो भी आपके साथ होंगे, और गुला चिका से ही उनकी दावेदारी रहेगी या किस तरीके? वो तो उसने से पूछो कहाँ की दावेदारी, पर तो इतना है क्योंकि अब तो वो सक्षम है अपनी बात बताने में, कहने में, तो इतना का है वो कांग्रेस में उसने ज्वाइन कर ली है। और कांग्रेस और बीजेपी दो एक ऐसी पार्टी हैं जो नेशनल पार्टी है और जिसको देश चलाने के लिए नेशनल पार्टी की जरूरत है। इतना बड़ा देश को रीजनल पार्टियां ना कभी कंट्रोल कर सकती ना होती। अब जैसे इस भाई ने कहा कि जेजेपी में क्या था, जेजेपी तो हम साथ तो चले ही गए, अब बच्चा क्या था, तो बात कहने की सुनने की है ही नहीं। कुमारी सैलजा को लेकर के क्या कहेंगे, उनसे किस रूप में आज मुलाकात भी आपकी हुई है उनसे? नहीं, बहुत बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय स्तर के लीडर है वो, और जो एक क्वालिटी होनी चाहिए किसी नेता के अंदर, उनमें वो क्वालिटी सारी विद्यमान है, इसमें कोई शंका नहीं। और ख़ास करके दलित वर्गों ने तो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनको अपना लिया। धन्यवाद। तो ईश्वर सिंह जी, अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी से लंबे समय तक अगर बात विधायक रहे थे, उससे पहले कांग्रेस में रहे, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इनका कहना है कि जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन चुनाव को लेकर जो स्थिति स्पष्ट करी है कि खुद चुनाव लड़ने की बजाय अपने बेटे और बहू के लिए कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं से संपर्क में है कि वो चुनाव लड़ें। इनके बेटे जो कि खुद चेयरमैन भी रहे और जननायक जनता पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस पार्टी में अब जुड़ रहे हैं, और ऐसे में उनको लेकर के कहीं ना कहीं ईश्वर सिंह अब लॉबिंग करते हैं दिल्ली में।